एक तरफ विपक्ष केंद्र सरकार के खिलाफ एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाता है, वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय एजेंसियां भी एक्शन में हैं। दिल्ली में सीबीआई के एक्शन के बाद अब उत्तर प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के आयकर विभाग एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। आयकर विभाग ने 7 राज्यों में छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि राजनीतिक फंडिंग को लेकर ये छापेमारी की गई है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बड़े स्तर पर आयकर विभाग की ओर से कार्रवाई की गई है। यूपी में समाजवादी पार्टी, क्रांतिकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय के घर आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है। वहीं हुसैनगंज के छितवापुर इलाके में उनका आवास है। वहीं राजस्थान के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के 53 ठिकानों पर इनकम टैक्स छापे की है। वहीं राजेंद्र यादव के शिक्षा संबंधी कई बिजनेस हैं, वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी मंत्री हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग ने कई कारोबारियों के ठिकानों पर भी छापेमारी की है। रायपुर में शराब कारोबारी अमोलक सिंह भाटिया के घर आईटी की रेड जारी है। कुछ नहीं, सुबह 8 बजे आईटी डिपार्टमेंट से लोग हमारे जो है परमाइसेज में आए थे। मुझको फ़ोन से पता लगा तो मैंने कहा आप सर्च कीजिए, हमें कोई इतराज़ नहीं है। और सर्च अभी चल रही है, राजनीतिक द्वेषता से है या उनको कोई गलत इन्फॉर्मेशन है वो सामने आ जाएगी जी। सर कहाँ कितने ठिकाने? हमारे 3-4 ठिकाने हैं जहाँ पे बिजनेस मेरे बच्चे करते हैं, मेरा परिवार करता है, उन सब पे इन्होंने किया है और उसकी सर्च चल रही है। राजस्थान में और उत्तराखंड में, गुड़गांव में। सर कांग्रेस लंबे समय से आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार जो है वो एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, तो क्या ये तो आप लोग भी जानते हैं क्या? आरोप है ही नहीं, जिस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है या जो भी हो रहा है वो आपके सामने है। और कोई चीज़ गलत है, हम उसके लिए तैयार हैं लड़ाई लड़ने के लिए। किसी भी चीज़ का सच्चाई छुपती नहीं है, सामने आती है। आप में हिम्मत होनी चाहिए कि आप सच्चाई जनता के सामने रखो। आप लोग कहीं ना कहीं अपनी दिशा से भटक गए हो। ये जो पैसा है, आरोप है कि टैक्स चोरी का पैसा पॉलिटिकल फंडिंग में जा रहा था, तो वही जहां जा रहा था वहां पकड़ो। जहां से पैसा निकल रहा था, जा रहा था, कोई पकड़ो उसको। उसको मना कौन कर रहा है? अगर कोई अवैध रूप से कुछ काम करता है तो उसको पकड़ना चाहिए। हम भी कहते हैं इस बात को, इसमें क्या दो। वहीं इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ रहे हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। राजीव जी, पहला प्रश्न आपसे, पहले ईडी, सीबीआई, अब आयकर विभाग, ये छापेमारी को कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें राजनीति फंडिंग को लेकर, अब जिस तरीके से इनकम टैक्स विभाग की तरफ से 7 राज्यों के अंदर कह सकते हैं छापेमारी की जा रही है और यहाँ तक कि राजस्थान के जो कह सकते हैं राज्य मंत्री हैं उनके घर भी, उनके ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं जांच एजेंसियां जो है वो लगातार राजनीतिक पार्टियों के ऊपर कहीं ना कहीं अब शिकंजा जो है वो कसती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार पहले ईडी की कार्रवाई देखने को मिली थी और उसके बाद में इनका सीबीआई की कार्रवाई देखने को मिली, अब जो इनकम टैक्स विभाग है वो भी कहीं ना कहीं अपनी तरफ से कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से 7 राज्यों के अंदर छापेमारी की गई है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या फिर राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर कहें और राज्य हो, तब लगातार कहीं कहीं इन विभागों की तरफ से लगातार कार्रवाई जो है वो की जा रही है। जैसे कि समाजवादी पार्टी की बात करें तो उनके भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है गोपाल राय, उनके यहाँ भी छापेमारी की गई है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के जो राज्य मंत्री हैं उनके यहाँ भी छापेमारी की गई है। लगभग कह सकते हैं 53 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं बड़े लेवल पर जो पैसे का लेन देन किया जा रहा है या फिर कहें बड़े लेवल पर जो घोटाले किए जा रहे हैं उनको लेकर तीनों विभाग जो है, आयकर विभाग की बात करें या इनकम टैक्स विभाग की बात करें या ईडी की बात करें, लगातार अपनी तरफ से कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं जी। हमारा अगला प्रश्न आपसे है पीयूष पंत जी, कि पहले ईडी, फिर सीबीआई, अब आयकर विभाग, वो भी विपक्ष के नेताओं के यहाँ छापेमारी हो रही है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, ये इसमें रवि जी, इसमें तो इस तरह से देखना होगा कि जो है कि प्रधानमंत्री जी ने जो है कि 15 अगस्त को लाल किले से एक बात कही थी कि हम जो है भ्रष्टाचार को पूरा खत्म कर देंगे पूरा, तो ये जो एक अपनी छवि गढ़ने वाली एक एक्सरसाइज, मैं इसको मानता हूँ, और उसी के तहत लगातार जो है एक जहाँ पॉलिटिकल वेंडेटा भी कहीं ना कहीं इसमें दिखाई दे रहा था पहले, खासकर ईडी के
जो ईडी एक्शन ले रहा था, लेकिन अब जो देखिए छोटी छोटी जो पार्टियां ऑर्गेनाइज पार्टियां हैं लेकिन वो रजिस्टर्ड पार्टी हैं इलेक्शन कमीशन में, अब उनके जो रिसोर्सेज हैं वो जो भी थोड़ी बहुत पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रही हैं उन पे जो है अटैक किया जा रहा है। तो एक तरीके से ये है कि सिर्फ एक छत्र जो है भारतीय जनता पार्टी ही एक पॉलिटिकल पार्टी रहे, वही पॉलिटिकल एक्टिविटी करे और कोई दूसरा न कर ले पाए, जितना भी विपक्ष है जनता के साथ खड़ा होता है उसको खत्म कर दिया जाए, ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। नहीं तो ऐसा क्या कारण है कि अभी देखिए कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से एक पूरा का पूरा वो उसमें ब्रीच हुआ है, पूरा डैम में जो है वहाँ पे जो बन रहा था उसमें पूरा शिवराज सिंह चौहान के जो है वर्दी उनका नाम आ रहा है उसमें घोटाले में पूरा का पूरा पूरा, तो ये उस पर अपने लोगों पर जो है कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। तो ये चुन चुन के जो है विपक्ष दलों में आज की तो जहाँ जो आई टी कार्रवाई हो रही है वो जो नॉन जो रजिस्टर्ड पार्टियां हैं इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि मतलब इनकी कोई खास एक्टिविटीज नहीं है कुछ नहीं है और उनके खिलाफ जो है ये पूरी रेड हो रही है। और उसमें साथ ही साथ जो है राजस्थान में क्योंकि इलेक्शन भी है आप देखिए तो गहलोत को कहीं ना कहीं बदनाम करने के लिए ये कोशिश हो रही है पूरी की पूरी। तो एक पॉलिटिकल इस्तेमाल होने लगा है, जितने भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं जो हम देख रहे हैं, पहले भी होता था जब यूपीए की सरकार थी या कहिए तो उस टाइम में, लेकिन अब जो स्तर है वो बहुत बढ़ गया है। अब तो आपको रोज यही सब दिखाई दे रहा है कि जो है कभी ईडी है कभी आईबी है और कभी जो है कि क्या नाम आपका क्या नाम ये इनकम टैक्स है, तो यही चल रहा है। तो इसके पीछे यही है कि देखिए मेरी कमीज सबसे ज्यादा सफेद है, कोई दिखाने की कोशिश जो है भाजपा द्वारा हो रही है और प्रधानमंत्री महोदय द्वारा हो रही है, जबकि 2014 से जब इसी इशू को लेके वो सत्ता में आए थे और लेकिन आज 8 साल हो गए लेकिन अभी भी भ्रष्टाचार वहां का वहीं खड़ा हुआ है। नोटबंदी भी की गई लेकिन आज कालाधन वहीं का वहीं बना हुआ है, कालाधन का और जनरेशन हो रहा है। तो ये सब बातें हैं, सिर्फ इमेज बिल्डिंग है, उससे ज्यादा मुझे कुछ लगता नहीं इसमें। और साथ ही जो है जितने भी जो छोटे प्लेयर्स हैं उनको खत्म करने की एक जो है वो भी कवायद मुझे दिखाई देती है कि जो छोटे छोटे लोग हैं चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड में भी जो छोटी पार्टियां हैं जो है उनको भी जो है पंगु बनाने की कोशिश हो रही है ताकि जो है सिर्फ और सिर्फ जो है भारतीय जनता पार्टी का जो ये क्लेम करती रहती है कि हम ही जो है देश में की हम ही पार्टी है जनता हम ही को पसंद करती है, उस क्लेम को वो और पुख्ता कर सकें उसी को जो है कि जमीनी स्तर पर वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वहीं राजीव आपसे प्रश्न है कि ये जो छापेमारी हुई है आयकर विभाग की, 7 राज्यों के और 53 ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है, इस पर कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार जो छापेमारी की जो सिलसिला है वो लगातार देखने को मिल रहा है और लगातार ईडी की बात करें सीबीआई की बात करें अब इनकम टैक्स का जो रूल देखने को मिल रहा है उससे कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो लगातार कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के ऊपर हमला बोलता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष की तरफ से भी आज भी जैसे ही कह सकते हैं अशोक सिंह गहलोत के जो कह सकते हैं गृह राज्य मंत्री हैं उनके ऊपर जिस तरीके से कार्रवाई हुई और उसके बाद में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया कि केंद्र सरकार जो है वो जांच एजेंसियों इस्तेमाल कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने मीडिया के ऊपर भी सवाल खड़ा करने की कोशिश की गई कि निष्पक्षता से सच्चाई सामने लेके आई जाए, मगर यहां पर जिस तरीके से जो जांच एजेंसियां हैं वो अपना काम कर रही हैं उनकी कामों के अंदर हस्तक्षेप नहीं कर सकते, मगर यहां पर जिस तरीके से अशोक सिंह गहलोत के जो करीबी मंत्री रहे हैं और उनके ऊपर भी इस तरीके की कार्रवाई होती है तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। और विपक्ष जिस तरीके से हर राज्य के अंदर अब कहीं ना कहीं भारत जोड़ो लोगों को जो संकल्प है। वहीं पीयूष पंत जी अगला प्रश्न आपसे है कि जो ये आयकर विभाग की एजेंसियां हैं या ईडी है सीबीआई है तमाम एजेंसियां जो कार्य कर रही हैं अपना, तो कांग्रेस या विपक्षी पार्टियां जो हैं उनको ऐसा क्यों लग रहा है कि बीजेपी करवा रही है या फिर हम पे ही, जो जहां उनको संदिग्ध लगेगा जहां उनको लगेगा कि यहां भ्रष्टाचार हुआ है यहां दिक्कतें हुई वहां वो छापेमारी करेंगे, तो विपक्ष की जो पार्टियां हैं उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि सरकार हमारे पीछे पड़ी है? देखिए उसके दो कारण है, एक तो जो टाइमिंग है इसकी वजह से जब भी कोई भी पार्टी जो विपक्ष कोई भी पार्टी या उसका नेता आगे बढ़ता है या भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देता हुआ नजर आता है कोई भी पार्टी जो है किसी भी राज्य की, तो वो लगातार जो है
ये कोशिश होती कि उनके किसी नेता के ऊपर या उनके करीबी के ऊपर जो है कि वो रेट पड़ जाती है। तो एक कारण ये है कि इनको लगता है। दूसरा कारण ये है कि बहुत से विपक्षी दलों से जो नेता हैं, जो भ्रष्ट नेता भी हैं, जो आपराधिक छवि के नेता भी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं और मंत्री भी बनाए गए। तो ये सवाल भी इनको लगता है कि आखिर उन पर रेट क्यों नहीं होती है, सिर्फ जो है कि विपक्षी दलों के ऊपर। क्योंकि ये तो देखिए, हम और आप सभी जानते हैं कि हर पार्टी में दागी जो है वो नेता है और दागी लोगों को मंत्री भी बनाया जाता है और सबके जो है कि बहुत सारे गलत धंधे चलते रहते हैं, ये सबको पता है, ये एक आम बात है, हम जानते हैं। तो आखिर तो जो सत्ता वाले लोग हैं उनके खिलाफ क्यों नहीं, कल से विपक्ष के खिलाफ ही, और वो भी टाइमिंग जिस राज्य में जिस अगर चुनाव करीबी हो करीब होगा वहां लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी उसको चुनौती मिलेगी। तो जैसे अब गुजरात में जिस तरह से अब लग रहा है आम आदमी पार्टी उनको जो है एक चुनौती बन सकती है, तो लगातार आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो है पूरी जो है ईडी की इंक्वायरी और आईपी की सीआई की चल रही है पूरी की पूरी। तो इस तरह से ये चीजें जो होती हैं कि आप चुन चुन के जो है उन लोगों के खिलाफ कर रहे हैं जो आपको कहीं ना कहीं चुनौती दे रहे हैं। तो इससे ये एक इंप्रेशन पैदा हो रहा है कि ये पूरा का पूरा ये जो है कि एक पॉलिटिकल खेल किया जा रहा है, पॉलिटिकल वेंडेटा है। क्योंकि देखिए, रिजल्ट कुछ ज्यादा निकल नहीं रहा है, जितनी भी रेट्स हुई हैं, जितनी भी पूछताछ हुई है, उनका क्या निकला, कोई परिणाम अभी तो सामने आया नहीं। तो निश्चित रूप से ये एक इंप्रेशन बन रहा है कि सरकार जानबूझ के जो है कमजोर करने के लिए विपक्षी दलों को, ताकि वो उसको चुनौती कोई ना दे सके, उनका एक छत्र राज यहाँ चलता है, इस देश में चलता रहे, यही एक कवायद के तहत जो है वो लगातार इस तरह की कोशिश कर रही है। क्योंकि इस तरह से वो पार्टी के लोगों को बदनाम, जो विपक्षी लोगों को, विपक्षी पार्टी के लोग हैं उनको बदनाम तो कर ही देती है। क्योंकि देखिए, इमेज बिल्डिंग का पूरी राजनीति जो है परसेप्शन की हो गई है, ये परसेप्शन क्रिएट किया जाता है, किया जा रहा है बल्कि, कि विपक्षी जो दल है जितने भी हैं सब भ्रष्ट हैं वो, और जो भारतीय जनता पार्टी जो है वो सबसे ईमानदार पार्टी है और वही जो है एक अच्छा सुशासन दे सकती है। तो ये जो एक है, ये एक परसेप्शन लोगों के दिमाग में डालने के लिए इस तरह की कवायद लगातार की जा रही है, जिसमें आईपी का और जो है कि ईडी का और आपका कहना मिनिमम टैक्स का भी जो है इस्तेमाल किया जा रहा है लगातार। प्रश्न ये है पीयूष जी कि कुल मिलाकर आईटी, सीबीआई, आयकर विभाग, तमाम ऐसे कुल मिला के कहा जाए तो ये जो छापेमारी तो कर रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष की पार्टियां हैं, क्योंकि जो राजनीति है वो अपराधीकरण आपको ही पता है कि वो हो चुका है, क्योंकि अगर अपराधियों के यहाँ छापेमारी हो रही है, इसमें दर्द कांग्रेस को क्यों हो रही है, आम आदमी पार्टी को क्यों हो रही है, या तमाम टीएमसी है, तमाम ऐसी पार्टियां हैं कि उनको ये ऐसा लगता है कि अगर अपराधियों के यहाँ भी छापेमारी हो रही है तो ऐसा लग रहा है कि उनके यहाँ छापेमारी हो रही है। तो सवाल ये है कि क्या जो विपक्ष के नेता हैं, अगर वो साफ सुथरे हैं, अच्छी छवि है उनकी, तो उन्हें तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए? नहीं, देखिए, दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए बिल्कुल, लेकिन ज्यादातर क्या है कि जो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े लोग हैं उनके खिलाफ हो रही है, और अपराधी किसमें नहीं है, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, सत्ता जो सारी पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, आज कल कांग्रेस की, आज बीजेपी है, या दूसरी पार्टियां हैं जो राज्यों में है, सब में है इस तरह के लोग, और तमाम एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते रहते हैं, बेरोकटोक जाते रहते हैं। भाई, कहा तो ये भी जाता है कि जिसको जो है कि वॉशिंग मशीन तक कहा जाता है विपक्षी दलों द्वारा भारतीय जनता पार्टी को, कि आपके यहाँ जो आ जाता है वो धुल जाता है, साफ हो जाता है, और जब तक विपक्ष में रहता है तो वो जो है दागी है और वो जो है अपराधी है। नहीं, अपराधी जो है उन पर निश्चित रूप से आप कार्रवाई कीजिए, और उस कार्रवाई का कोई परिणाम भी होना चाहिए, अंतिम जेल तक पहुंचाना चाहिए, लेकिन ऐसा देखने में नहीं आता है। आप देखिए, ईडी की कार्रवाई का भी जो एग्जीक्यूशन का जो रेट है वो जो है लगभग जो है वो 0.3 या 0.4% है पूरा का पूरा, पिछले 8-10 साल में जो आंकड़ा भी दिया गया था। तो अब आप एग्जीक्यूशन कितना हो रहा है आपका, एकदम बहुत कम हो रहा है, तो लगातार आप रेट पे रेट। तो इससे एक ये एक माहौल बनता है, ये एक इंप्रेशन जाता है कि आप निश्चित रूप से इसके पीछे जो है आपकी मंशा जो है कि राजनीतिक पार्टियों को बदनाम करने का, जो अपराधी हैं जिन्होंने गलत काम किया है निश्चित रूप से उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई करिए। लेकिन आप देखिए, अभी कुछ समय में जो है कि जितनी रेड्स हुई हैं उसमें कितने नॉन पॉलिटिकल अपराधियों के खिलाफ भी, ज्यादातर जो है वो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े लोग हैं या पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं उनसे करीबी लोग हैं,
जो है उन्हीं के ऊपर, और उसका अंतिम परिणाम भी क्या हुआ जी, कोई खास जो है एग्जीक्यूशन के लेवल पे बहुत कम हुआ। तो ये तमाम चीजें हैं जो ये इस बात को तरफ इशारा करती है कि निश्चित रूप से एक पॉलिटिकल मकसद है। पीयूष पंत जी, आपको हम रोकना चाहेंगे, आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि कुल मिलाकर जो इस समय राजनीति है कहीं ना कहीं अपराधीकरण में भी तब्दील हुई है, और जो ये छापेमारी है कहीं ना कहीं इसे हम निगेटिव में ना देख के पॉजिटिव में देखें, क्योंकि आने वाले कल में अगर देश को सही और सही दिशा में ले जाना है तो कहीं ना कहीं अपराधियों पर, भ्रष्टाचारियों पर रोक लगानी होगी।